कराची में स्पिन का खेल, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से दी मात। स्पिनर नोमान अली और यासिर शाह की शानदार गेंदबाजी से पाकिस्तान ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे पारी में भी कम स्कोर आउट करके पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में 245 रन बनाकर सिमट गई। पाकिस्तान को जीत के लिए 88 रन की लक्ष्य मिला था। 34 साल के स्पिनर नोमान अली ने 35 रन देकर 5 विकेट निकाली। अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे 34 साल के स्पिनर नोमान अली ने 35 रन देकर 5 विकेट ले और यासिर ने 79 रन देकर 4 विकेट लिए, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में चौथे दिन लंच से कुछ देर पहले 245 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह से कराची नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान को जीत के लिए 88 रन लक्ष्य मिला। एनरिक ने 24 रन देकर 2 विकेट, एक ओवर में 2 विकेट लेने के बावजूद पाकिस्तान ने चार से पहले 22.5 ओवर में 3 विकेट के पर 90 रन बनाकर जीत हासिल की। अजहर अली 31 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि पहली पारी के शतक भी फयाद आलम ने बनाए। हाथ के स्पिनर केशव महाराज की विजय चौका लगाया। फयाद को मैन ऑफ द मैच चुना गया। एनरिक ने अब्दुल अली को बोल्ड करने के बाद अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे इरमान बट को विकेट के पीछे कैच करवाया, जबकि टीम का लक्ष्य केवल 2 रन दूर था। महाराज ने बाबर आजम के साथ 30 रन बनाकर LBW किरार आउट दिया गया। यह पाकिस्तान की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 27वें टेस्ट मैच में जीत है। बाबर आजम ने इस तरह से कप्तान के रूप में अपने पहले टेस्ट मैच में जीत दर्ज की। हे गाइस, वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।